और 24 सितंबर को हेल्थ एकेडमी 11th इंटरनेशनल हेल्थ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करने जा रही है और इसमें तमाम दुनिया भर से एमिनेंट डॉक्टर्स, रिसर्चर्स और पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट जो हैं वो इसमें शिरकत करेंगे। इस वक्त हेल्थ एकेडमी जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है पब्लिक हेल्थ प्रमोशन के लिए और हमेशा हेल्थ एकेडमी जो है वो फोर फ्रंट पे रही है ऐसे इश्यूज में, चाहे वो कैपेसिटी बिल्डिंग हो, ट्रेनिंग हो ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स, ICU के डॉक्टर्स, नर्सेज, जो भी हमारे पैरामेडिक्स हैं। और इस वक्त जो कोविड का क्राइसिस हमारे मुल्क में आया है उसके अंदर भी इसका एक अहम किरदार है। इस वक्त HSA जो है उसको OIC जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज की जो ऑर्गेनाइजेशन है इन एक्सेलेंस इन पब्लिक हेल्थ उसमें भी इंक्लूड किया गया है और इसके जरिए मैं समझती हूँ कि हेल्थ एकेडमी जो है वो जो हमारे लेस डेवलप्ड मुस्लिम कंट्रीज हैं उनकी तरक्की के अंदर एक मौसर किरदार अदा कर सकेगी। पाकिस्तान जो है वो चाइना पाकिस्तान हेल्थ कॉरिडोर इनिशिएटिव जो है वो भी हेल्थ एकेडमी का उसमें शमूलियत करने जा रही है और वो इस कॉन्फ्रेंस के दौरान बहुत सारे एग्रीमेंट्स जो हैं, कोलैबोरेटिव एग्रीमेंट्स जो हैं, वो हम अपने चाइनीज काउंटर पार्ट्स के साथ जो वाइस चांसलर डॉक्टर शहजाद अली खान हैं वो साइन करेंगे। अफगानिस्तान की हेल्थ स्ट्रेंथनिंग सिस्टम्स के अंदर भी हम एक इम्पोर्टेंट किरदार थ्रू HSA अदा करेंगे और हम समझते हैं कि इसके जरिए हम अफगानिस्तान को हेल्प करेंगे और हमारे वो अफगान स्टूडेंट्स जिनको इंडिया जाना पड़ता था अब उनको पाकिस्तान में वही फैसिलिटीज जो हैं और क्वालिटी एजुकेशन जो है वो पाकिस्तान में थ्रू हेल्थ एकेडमी वो उनको मिल जाएगी। मैं समझती हूँ कि डॉक्टर शहजाद अली खान के हेल्थ एकेडमी को ज्वाइन करने से यहाँ पर बहुत मुस्बित तब्दीलियाँ आई हैं और बहुत तेजी से पब्लिक हेल्थ के अंदर ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं जिससे ना सिर्फ पाकिस्तान को फायदा होगा बल्कि बहुत सारे हमारे मुस्लिम ममालिक और हमारे नेबरिंग कंट्रीज जो हैं उनको हम हेल्थ स्ट्रेंथनिंग सिस्टम में मदद दे सकेंगे।